नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए प्रैक्टिस सेट 5 का ये लास्ट पार्ट है। 125 क्वेश्चन थे जो है जैसा कि आपके टीजीटी पीजीटी में आते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। हमने उन्हीं प्रश्नों को आपके प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आने की प्रबल संभावना है। इसमें टीजीटी पीजीटी और ईएलटी और जीआईसी के प्रश्नों को शामिल किया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्ज़ाम आपके अभी आने ही वाले हैं, शायद मई जून में आपके गवर्नमेंट डेट भी दे दे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक अवेलेबल है। वो एक ऐसा मंच है जहां मैं भी सीखता हूं, नई नई चीज़ें डिस्कशन होते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं, और आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से, और वहाँ नोट्स हमारे माध्यम से या हमारे अन्य मित्र और नोट्स डालते रहते हैं और आप उनको सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। उस पर कोई चार्ज अप्लाई नहीं है और खुला मंच है आपके लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमने इससे पहले फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन पूछा था, स्टडी पर्टेनिंग टू एनस एंड द रेक्टम इज नोन एज गुदाद्वार एवं मलाशय के अध्ययन, यानी गुदा द्वार और मलाशय के अध्ययन को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन दिया था, इसके आगे हमने बताया था, कई मित्रों ने सही आंसर भी बताया था, तो हम आपको इसका सही आंसर था प्रक्टोलॉजी, क्या बोलते हैं, मूलांत्र विज्ञान या प्रक्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो 98 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव की वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। ये आपके सामने हार्मोन से दिए हैं और कौन से हार्मोन्स उत्तरदायी हैं, तो बताइए कौन से हैं। थायरॉक्सिन है या सोमैटोट्रोपिन है या प्रोजेस्टेरोन है या इस्ट्रोजन है, तो बताइएगा। थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है वो कायांतरण के लिए मुख्य रूप से यूज़ होता है, उसके अलावा ये बीएमआर जो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म रेट होता है उसको कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन, और सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन होता है ये ग्रोथ के लिए, मुख्य रूप से ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, तो चूंकि ये हमसे पूछा है तो सोमैटोट्रोपिन। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, तो कार्पस ल्यूटियन से प्रायः निकलता है ये हार्मोन, और इसका मतलब होता है गर्भ को बनाए रखने में मदद करना। तो जैसे होता क्या है, प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट माताओं को दी जाती है जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको अर्ली में 3 महीने तक खतरा रहता है अबॉर्ट होने का, तो उनको सस्टेन या अन्य कोई गोली दी जाती है जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, तो डॉक्टर लिखता है जिससे बच्चा अबॉर्ट ना हो, तो प्रोजेस्टेरोन लिखता है जिनके शरीर में कम प्रोजेस्टेरोन निकलता है, तो नेचुरल निकलता है मगर डॉक्टर बाहर से भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आप सब जानते हैं विटामिन ए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी के लिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया हो जाती है, और ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी विटामिन ए को बोलते हैं। रतौंधी में क्या होता है, विटामिन ए की कमी से व्यक्ति को रात्रि में दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द पर्सन हैविंग द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए कॉल्ड ए यूनिवर्सल रेसिपियंट, रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है, तो किसको सर्वग्राही कहा जाता है, ए तो क्या कहते हैं, तो ए या बी या ओ या ए बी, तो ओ को हम सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं, तो उसका रीज़न क्या, तो ओ को सर्वग्राही बोलते हैं, ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं और ओ को सर्वदाता बोलते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि जो ए बी सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं, रक्त ओ को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय, हीमोफीलिया किससे कॉज्ड होती है, तो आप बताइएगा। तो हीमोफीलिया जो मुख्यतः उत्पन्न होने का कारण है वो क्या हुआ है, तो चारों ऑप्शन पहले देख लेते हैं तब क्लियर आंसर देते हैं।
चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑटोसोम, एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम एंड एडॉप्टेशन। तो 101 का सही आंसर क्या होगा? तो हम आपको बता दें, एक और भी बोलते हैं इसको, जो बोलते हैं ये यूरोप के शाही परिवार की पेडिग्री और जो हेल्डन की व्याख्या किया, मतलब जो इसमें होता क्या है कि हीमोफीलिया में कि कट लग जाता तो ब्लड नहीं रुकता है बहने से, तो इसे रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, और यह यक्स क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो किसमें होता है? यक्स क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, और किस पे? यक्स पे, यक्स पे म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेनिन इज एन एंजाइम, टेनिन लिखा है यहाँ, रेनिन होना चाहिए। तो रेनिन इज एन एंजाइम विच, तो क्या करता है? तो रेनिन, देखिए हम आपको बता दें, जो रेनिन होता है बच्चों में सक्रिय रहता है। रेनिन एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित होता है, और इसका काम क्या होता है? तो बताइएगा, कैसीन को पैरा कैसीन में परिवर्तित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द सेकेंडरी सिक्रीटरी फंक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इज द मेंटेन्ड बाय, कार्पस ल्यूटियम के श्रावण को बनाए रखता है, तो वो कौन बनाए रखता है बताइएगा? तो 103 का सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे? कार्पस ल्यूटियम के श्रावण को, सिक्रीटरी फंक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड बाय, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पोजिस्ट्रॉन होगा। क्या होगा? पोजिस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर एमनियोट्स इज, एमनियोट्स में कितनी क्रैनियल नब्स की संख्या होती हैं? तो आप बताइएगा कितनी क्रैनियल नब्स की संख्या होती हैं? एमनियोट्स में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो बताइएगा 12। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? डी सही होगा। कौन कौन सी होती है? ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डूसेंस, फेसियल और ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, हाइपोग्लॉसल, स्पाइनल एसेसरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी, हाइपोग्लॉसल, ये होती हैं 12, और मेंढक में 10 होती हैं, ध्यान रखिएगा 10 जोड़ी होती हैं। पॉइंट म्यूटेशन इज तो बताइएगा, चारों ऑप्शन इसके देख लेते हैं तब आंसर होता है, क्या दिया जाता है इसका आंसर। लॉस ऑफ ए जीन, चेंज ऑफ इन ए बेस जीन, एडिशन ऑफ ए जीन, डिलीशन ऑफ सेगमेंट ऑफ जीन। तो 105 का सही आंसर क्या होगा? पॉइंट म्यूटेशन में जीन के एक बेस में परिवर्तन होता है, डीएनए अणु के संकेत सूचनावाहक जीनों में उत्परिवर्तन से मिलते हैं, इन जीनों के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाले प्रोटीन में अमीनो अम्ल अनुक्रम बदल जाते हैं। तो हम इसमें क्या कर देंगे? चेंज इन ए बेस ऑफ जीन्स। तो इसका ऑप्शन हम लोग बी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इन मैमल लिविंग इन वाटर, जल में रहने वाले वाले स्तनधारी हैं, फेफड़े आकार में छोटे होते हैं, फेफड़े आकार में बड़े होते हैं, हृदय आकार में छोटा होता है, हृदय आकार में बड़ा होता है। तो आप बताइएगा इनमें क्या होता है? तो 106 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? फेफड़े आकार में क्या होंगे? स्तनधारी फेफड़े आकार में छोटे हों, क्योंकि जल के अंदर ये जीव श्वसन नहीं करते हैं, यह अनुकूलन को दर्शाता है। तो ऑप्शन इसका हम लोग क्या लगाएंगे? ए, फेफड़े आकार में छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। विच ऑफ दीज इज नॉट मेंडेलियन डिसऑर्डर, इनमें से मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? तो बताइएगा कौन सा डिसऑर्डर नहीं है? हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और क्राइडुचेट सिंड्रोम।
107 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा क्राइडू चैट सिंड्रोम। क्या होगा? क्राइडू चैट सिंड्रोम होगा। क्राइडू चैट सिंड्रोम एक मेंडेलियन बीमारी नहीं है, जबकि हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया आदि मेंडेल बीमारी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि जो एक हिस्सा होता है क्रोमोसोम का वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द सिंथेसिस ऑफ सी डी एन ए रिक्वायर्ड, सी डी एन ए का मतलब कम्प्लीमेंट्री डी एन ए, क्या रिक्वायर रहता है? तो डी एन ए पॉलीमरेज, डी एन ए लाइगेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आर एन ए पॉलीमरेज। तो क्या जरूरी रहता है, तो बताइएगा क्या जरूरी रहेगा। सी डी एन ए के संश्लेषण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की आवश्यकता पड़ती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? पहले ट्रांसक्रिप्टेज वैसे जनरली क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। क्या बनता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है। कभी कभी क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनना होता है, तो वो ये इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और इससे एमआरएनए से डीएनए अगर बनना हुआ तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनते हैं, जिससे सी डीएनए का फॉर्मेशन या कम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बाल्बियानी रिंग फाउंड इन, तो बाल्बियानी रिंग किसमें पाई जाती है? तो बाल्बियानी रिंग पाई जाती है किसमें? पॉलीटीन में या लैम्ब्रोस क्रोमोसोम में, पॉलीसोम में या हेट्रोसोम में? तो जो बाल्बियानी रिंग पाई जाती है, तो 109 का सही आंसर क्या होगा बताएं? तो बाल्बियानी रिंग पॉलीटीन क्रोमोसोम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पॉलीटीन क्रोमोसोम में पाई जाती है। इस तरीके से आपने देखा होगा ये, तो ये यहाँ ऐसे बाल्बियानी रिंग दिखाई देती है हमें, तो ये किस में पाई जाती है? पॉलीटीन क्रोमोसोम में पाई जाती है। पॉलीटीन क्रोमोसोम का सर्वाधिक अध्ययन ड्रोसोफिला लार्वा की लार ग्रंथियों में किया गया, तथा यह पाया गया कि इनमें द्विगुणन बिना डाटर क्रोमोसोम के अलग होते हुए पूर्ण हो जाता है, और इसमें पफ बॉल भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या पाए जाते हैं? पफ बॉल पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि लैम्ब्रोस क्रोमोसोम किस अवस्था में पाया जाता है? तो डिप्लोटीन अवस्था में लैम्ब्रोस क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक एडिशनल क्वेश्चन था, बता दिए, ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सेल सिक्रीशन इज डन बाय, कोशिका स्राव होता है तो किससे होता है बताइएगा? कोशिका स्राव जो होता है तो किससे होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसको अंतःप्रदीप जालिका, इसकी खोज पोर्टर ने की थी, केयर पोर्टर ने। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी आपका मुख्य होता है, ये मिडिल प्लेट बनाने में मदद करता है, और न्यूक्लियस कोशिका का बॉस होता है। तो अब यहाँ चूंकि सेक्रीशन से पूछा है, तो 110 का जो सही आंसर क्या होगा वो होगा गॉल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन, काउपर ग्रंथि उपस्थित होती हैं अर्थवर्म में, काक्रोच में, रैबिट में, तो किस में दिखाई देती हैं काउपर ग्लैंड? तो 111 का सही आंसर क्या होगा? तो काउपर ग्लैंड्स मादा खरगोश में पाई जाती हैं। मादा खरगोश में एक जोड़ी बार्थोलियन ग्रंथि या काउपर ग्रंथ पाई जाती हैं, जो वेस्टिब्यूल के पृष्ठी दीवार में धसी होती हैं। तो ये होगा डी नंबर, खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एडिबल फ्रेश वाटर फिश, इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर फिश एडिबल नहीं है? तो बताइएगा 112 नंबर पे कौन सा आंसर सही होगा। तो टेट्राडाइन मछली के बाह्य त्वचा पर विष पाए जाते हैं, तो टेट्राडाइन मछली के बाह्य सतह पर विष पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए यह मछली ताजे जल में पाए जाने पर भी खाने योग्य नहीं होती है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? टेट्राकोडॉन क्यूटिकुटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशियली दोज मोलस्कस इज नोन एज, सीप का अध्ययन विशेष रूप से उन घोंघों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? कॉनकोलॉजी या एंटमोलॉजी या ऑफियोलॉजी, तो हम उसको क्या बोलते हैं आप बताएंगे। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं,
तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा कॉन्कोलॉजी। क्या होगा? कॉन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या पूछ रहा है। टेस्टीज अकर इन द अर्थवर्म इन द सेगमेंट्स, केचुए के वृषण किस खंड में पाए जाते हैं? तो बताइएगा, केचुए के जो वृषण होते हैं 10वें और 11वें खंड में स्थित होते हैं। प्रत्येक खंड के वृषण एक पीले रंग के चौड़े पतली भित्ति वाले वृषण कोश यानी टेस्टिस सैक में बंद रहते हैं। इस प्रकार केचुए में अधर पार्श्व तल पर स्थित दो वृषण कोश होते हैं, जिनमें एक 10वें तथा दूसरा 11वें खंड में उपस्थित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताएं? तो 114 का होगा डी, 10वें और 11वें खंड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरासाइटिक एनिमल, इसमें पैरासाइटिक एनिमल कौन सा, क्या पूछ रहा है? नॉन जो नहीं है, क्या नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो जरा सा वीडियो को ऊपर कर लें तो क्लियर हो चारों ऑप्शन। मॉस्किटो है, टेप वर्म है, समुद्री एनिमल, ये नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा आप बताएं? तो 115 का सी सही होगा, सी एनीमून पैरासिटिक नहीं है, शेष मच्छर फीताक्रमी जोंक परजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 116 नंबर पे। 116 नंबर पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव द मैन, मैन में कौन सी जो स्टेज होती है वो इन्फेक्टिव होती है? मीरोजोइट, साइजॉन्ट या स्पोरोजोइट, इन तीन में से कौन सी अवस्था इन्फेक्टेड होती है? तो 116 का सही आंसर है स्पोरोजॉइट, जो स्टेज होती है वो इफेक्टेड इन्फेक्टेड होती है या इन्फेक्शन करती है। प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। स्पोरोजॉइट 6 से 15 माइक्रो लंबे और स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्किल शेप्ड होते हैं और एवं कुछ गतिशील होते हैं। इसके ऊपर दृढ़ परत जो होती है पेलकिल्स की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इन युगलीना फूड इज स्टोर्ड इन फार्मा, तो खास बात होता है पैरामाइलम ग्रेन्यूल के रूप में युगलीना क्या करता है, अपने भोजन को एकत्रित करता है। युगलीना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर अल्टीमेटली, तो बताइएगा हाउ मैनी पेयर सोमाइट्स आर अल्टीमेटली फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चिक, तो कितने सोमाइट्स बनते हैं डेवलपमेंट में? तो 118 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा डी, 52। अब यहाँ सोमाइट्स पूछता है, तो 22 घंटे में दो सोमाइट्स बनते हैं, 21 घंटे में दो सोमाइट्स बनते हैं, 24 घंटे में सोमाइट्स की संख्या 4 बनती है, 33 घंटे में सोमाइट्स की संख्या 13 बनती है। ये इन तीनों में से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय, ट्रांसजेनिक पादप उत्पन्न किए जाते हैं तो किसके द्वारा किए जाते हैं? इंड्यूसिंग जीन म्यूटेशन, अरेस्टिंग स्टिम्बल फाइबर और डिलेटिंग सेक्स क्रोमोसोम, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स। तो ऑप्शन सही होगा कि फॉरेन जीन्स को डालकर यानी बाहरी जीन्स को उसमें प्रविष्ट कराकर हम क्या प्राप्त करते हैं? तो ट्रांसजेनिक प्लांट उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोलीफेज में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, खास बात होती है। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कोलीफेज में देखने को हमें मिलता है। और ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में, अगर बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो कॉमन क्वेश्चन है। वायरस से जो क्वेश्चन बनता है, ये पोर्शन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन वायरस से एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो 120 का हमने आपको आंसर दे दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस? एस्परजिलस की परफेक्ट स्टेज क्या होती है? तो वो होती है एमेरिसेला। एमेरिसेला जो है वो एस्परजिलस की परफेक्ट स्टेज है। क्या है? परफेक्ट स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन? निम्न में से किस शैवाल में खाद्य प्रोटीन के गुण होते हैं? तो ये लिया जाता है, तो स्पाइरुलिना दिया होगा कहीं, स्पाइरुलिना इसका हम प्रयोग करते हैं, प्रोटीन इसकी निकाली जाती है, ध्यान रखिएगा। 122 में जो सही आंसर हुआ वो हुआ बी। स्पाइरुलिना खाद्य प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी प्रजातियों में से विटामिन असंतृप्त फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। यह ब्लू ग्रीन शैवाल है, इसमें फाइटोकेमिकल्स की उच्च सांद्रता होती है जो कैंसर को रोकने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील फाउंड इन? एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील मार्सिलिया में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? तो 123 का जो सही आंसर है वो मार्सिलिया है। और एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील किस में देखने को मिलती है? वो एक्विसिटम में देखने को मिलती है। किस में? एक्विसिटम में। कौन सी? एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील। ये एम्फीफ्लोइक किस में? मार्सिलिया में देखने को मिलती है। एग्जामिनर का जो सबसे पसंदीदा वो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सिलेजनेला से उठाता है। यहाँ आपका राइजोफोर लिग्यूल जो क्वेश्चन पूछने के पॉइंट है, हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट और मेल गैमिट कितनी सेल्स युक्त निकलता है, तो 13 आंसर है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो पोर्शंस है वो ये है। राइजोफोर्स में पूछ देता है आर्च कैसी होती, तो मोनो आर्च होता है। तो ये सबसे पसंदीदा टॉपिक स्लेजनेला है। बनते सब जगह से क्वेश्चन है मगर सबसे ज़्यादा स्लेजनेला को फोकस करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय, तो वो किसके द्वारा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो 124 का सही आंसर क्या होगा? तो ए बुलबिल्स के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, इसके बाद आपका ये जो पांचवा आपका प्रैक्टिस सेट है वो आज से ख़त्म होगा, चूँकि पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट आपके ख़त्म होते हैं। पूरे क्या मतलब पांचवा आज का खत्म होता है। इन विच द फॉलोइंग फैमिली लोडिक्यूल आर फाउंड? लोडिक्यूल किस में देखने को मिलते हैं? तो पोएसी में, पोएसी का दूसरा नाम ग्रैमनी, ग्रैमनी में देखने को मिलते हैं। तो 125 का सही आंसर हुआ बी पोएसी, लोडिक्यूल देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपके पूरे 125 क्वेश्चन आपके होते हैं आज से सॉर्ट आउट कर दिए हमने। अब हम आपको प्रैक्टिस सेट 6 उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कमेंट जरूर करिएगा।